हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज एक्स स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस वन माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन हैज अनइक्वल रियल रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर इसके रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा डी, वो हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। हमारे जब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस वन माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम इसके लिए लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन है और सी की वैल्यू है वन माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो इसको ओपन कर देते हैं, ये यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे हम ग्रेटर देन जीरो लेंगे, तो ये ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस फोर प्लस फोर ए प्लस फोर बी इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से अब हम इसे बी की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ से और यहाँ से हम 2b को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 2b, और क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 2 माइनस a, ये बचेगा 2 माइनस a प्लस क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 और इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये आगे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हमें पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पॉजिटिव होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है ए वो पॉजिटिव होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बात करें तो बी स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव है और इसके लिए जो हम डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो से छोटा लेंगे, लेस देन जीरो। तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि टू माइनस ए इसका पूरे का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वन और ये ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस फोर इज लेस देन जीरो। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में ये फोर टू माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस फोर इज लेस देन जीरो। ये यहाँ पर ए, इसको ठीक से बना देते हैं, ये यहाँ पर ए। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम फोर को कॉमन लेके जीरो में भेज देते हैं, तो यहाँ से हम इसका होल स्क्वायर और ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा फोर प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर ए और ये हमारा बनेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर ए और प्लस फोर इज लेस देन जीरो। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, तो स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर ये हो जाएगा फोर प्लस फोर एट और माइनस फोर ए माइनस फोर ए माइनस एट ए इज लेस देन जीरो। तो यहाँ से एट इज लेस देन एट ए हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा वन, यहाँ पे एट अपॉन एट इज लेस देन ए, तो ए इज ग्रेटर देन वन, ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से यही हमारा आंसर हो जाता है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।